हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। आज हम बनाएंगे बैर। इसको कूल भी बोलते हैं, बैर भी बोलते हैं। तो इसको अचार बनाएंगे खट्टा मीठा गुड़ से। ये वाले बड़े वाले हैं मीठा, इसको तो बनाना नहीं है, इसको कच्चा ही खाना है। ये खट्टा वाला है, इसको एक हफ्ता धूप में सुखा लिया। और ये है गुड़, एक पाव नहीं है, आधा किलो गुड़ है, 1 किलो बेर है, काला नमक, सफ़ेद नमक, तेज़पत्ता, 5 फोड़न। इसके लिए चूल्हा में कढ़ाई बिठा दिया है, इसमें फोड़न थोड़ा फ्राई करने के लिए डाल देंगे थोड़ा सा तेल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें हम डालेंगे 1 टुकड़ा दालचीनी, दालचीनी का 1 टुकड़ा, तेज़पत्ता 1 5 फोड़न। दाल की इसको अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा खुशबू कर लेंगे। आप डाल देंगे गुड़, इसमें डाल देंगे गुड़, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डाल देंगे थोड़ा सा पानी, दाल किसको अच्छे से मिला लेंगे। गुड़ हमारे गुल मिल गया है, गल गया है। हम इसमें डाल देंगे बेर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1-2 कच्चा भी दे दिया है, देखते हैं। इसको अच्छे से बॉईल करके पका लेंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक, सफ़ेद नमक, एक चम्मच काला नमक, और डालेंगे कुटी हुई सूखा मिर्च। खट्टा मीठा चटपटा बनेगा। इसको अच्छे से पकाएंगे, अभी 10 मिनट तक पकेंगे तब पूरा परफेक्ट होगा। अब इसको ढककर पकाएंगे, ढक देंगे 2 मिनट के लिए। 2 मिनट हो गया है, हम बर्तन हटा लेते हैं ढककर। वाओ माशाल्लाह, इसको जो पानी था वो सूख गया है। अभी गुड़ और बेर पक रहा है और 5 मिनट पकेगा, बन जाएगा। ऐसे हिलाते हिलाते तलानी में ना बैठ जाए, हिलाते रहो। अब मेरा बेर का अचार पक गया है, अब चूल्हा बंद कर देती हूँ। तो ठंडा होने के बाद दिखाऊंगी, अभी चूल्हा बंद कर देती हूँ। बन गया है, अच्छे से पक गया है। हम एक प्याली में उठा लेती हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे बेर का अचार बन गया है, चटपटा अचार। दालचीनी, तेजपत्ता उठा के हम फेंक देती हूँ। अभी बहुत गर्म है, ठंडा हो जाने के बाद ठीक हो जाएगा। अभी एक प्याली में डाल देती हूँ।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खाने में बहुत मज़ा, बहुत ही टेस्टिंग, खट्टा मीठा। बहुत ही चटपटा, बहुत ही अच्छा बना है, बहुत ही आसान, बहुत ही इजी बनाने में, माशाल्लाह खाने में बहुत ही टेस्टिंग, खट्टा मीठा। ज़रूर बना लेना, अभी तो बैर का सीजन है, ऐसे गुड़ से बना के खा लेना, अच्छा लगेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेर का चटनी, अचार, जो भी बोलो अच्छा लगे। मेरा रेसिपी अच्छा लगे तो कमेंट करना, शेयर करना। खुश रहना, मुस्कुराते रहना। अल्लाह हाफिज़।